स्पीक अप, बोला करो, एक्सप्रेस किया करो। ये एकदम जो आप दब जाते हो ना कि नहीं जी बोलना ही नहीं, अगर हम बोलेंगे तो वो कुछ कहेगा, यू नो ट्रोल होंगे, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपको ये कहेंगी वो। भाई आपसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टी के कारण आप नहीं हैं, उन्होंने आपको जन्म नहीं दिया, आपने पॉलिटिकल पार्टी को जन्म दिया। यू आर द मास्टर, है ना, सो यू शुड स्पीक अप। लेकिन हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, हम क्या करते हैं, बहुत अग्रेसिव हो जाते हैं, हमारे वर्ड्स जो हैं बहुत वायलेंट हो जाते हैं, हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे को गुस्सा आएगा, हम पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी इस तरह का सोशल इंस्टीट्यूशन हो, आप उसके अगेंस्ट ऐसा, और आपको हक भी नहीं बनता इस तरह से गुस्सा आने का और बोलने का। इनफैक्ट यू आर हर्ड मच बेटर, लोग आपकी बात सुनेंगे अगर आप शांत स्वभाव से वो बात को कहेंगे, प्यार से बात कीजिए, कैजुअली बात कहिए, हंसी मजाक में बात कर दीजिए, बट स्पीक अप। ये बात कीजिए कि बिल्कुल ही चुप बैठे रहिए। भाई अगर पोल्यूशन है तो पोल्यूशन के ऊपर बोलिए, पर ये कहना, आप पता क्या करते हो, अब जैसे पोल्यूशन का ही मुद्दा ले लो आप, यू नो इसीलिए हम सिटीजन्स इफेक्टिव नहीं हो पाते, हम पोल्यूशन के ऊपर बात नहीं करते, पी फॉर पोल्यूशन, हम पी फॉर पॉलिटिकल पार्टी पर बात करनी शुरू कर देते हैं। अरे वो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कह रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी ऐसे कह रही है, वो पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ना शुरू कर, पोल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, पोल्यूशन की मुद्दा जो है, मेन मुद्दा है, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। सो इसीलिए मैं कहता हूँ स्पीक अप, आप बोलो। देर इज नो प्रेशर लाइक पीपल्स प्रेशर, पब्लिक प्रेशर जो होता है वो सबसे बड़ा दुनिया का प्रेशर होता है, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर भी। सो बोलने से कतराइए मत, बोलिए, बिल्कुल बोलिए, लेकिन तमीज से बोलिए, आराम से बोलिए, सॉफ्टली बोलिए। चलो मैं कहता हूँ सॉफ्टली बोलिए, मतलब वोकैबुलरी को अपना अंकुश लगा के बोलिए, मैनर्स होने चाहिए बात करने के भी, ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप बेलगाम होके बोलिए ना, देन इट क्रिएट्स हेट्रेड, इट क्रिएट्स वायलेंस फैलता है फिर उससे, है ना। सो स्पीक अप, डोंट बी साइलेंट, स्पीक अप।